जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्नैक लवर अनिरुद्ध सिंह जडेजा और यहाँ पे तलाजा पे ही सांप का रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। और साहब, सांप इसमें कहीं पाइप में फंसा है, अभी पता नहीं है पूरी तरह से कौन सी पाइप में है। देखते हैं, सब जगह पे उसने कुछ कर लगा ही दिया है। तो यहाँ पे ये सांप तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोला बाकी बहन, ये रेड स्नेक है, इसके अंदर दिखाई तो नहीं देगा शायद, लेकिन अभी ट्राई करते हैं कैसे निकलता है ये। और इसकी रफ्तार बहुत ही होती है। ये वो पाक भी है, पहला वाट बीजा वाट है से ये वो पाके लो ना मोटर नो वो जलन तब गौतम गौतम के बजा रहे हम तो वो करी को कुछ छुट्टी करनी पड़ेगी। अरे ये क्या रो पाक वाद तो मैं तो ये लाग ले कोई लवन लाकड़ी पान का निम्न रंग निकल आपने भरत भाई काटे तो हमें वार लगे दस पंद्रह दिन दोनी को कोटी है लाकड़े ने किसी भाई। हेलो ये पहले पान करो, मैं यारों पकड़ी हुई है पाइप मगड़ी है। दोस्तों सांप इसके अंदर ही है लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहा है, और ज्यादा इसे परेशान करेंगे तो चोट लग सकती है। पानी में तो ये वही आ गया था, ये ना कहीं मत हुए तो मैं बोलो ना આપણે ઈસ્ટ કવિ દાદા લાકડી લેવા તમે લાકડી જડી દે ભરાય નહી दोस्तों साहब इसमें अभी आ गया है, इंडियन रेड स्नेक है।
બોલતા નહીં ખાલી ઉતરવાનું. દોસ્તો એ બેબી ડામન સ્નેક છે, ઇસકી લંબાઈ બડકે 12-13 ફૂટ હોતી હૈ. યે નોન વેનમસ સ્નેક હોતા હૈ, લેકિન ગુસ્સે મેં આયે તો કાટ લેતા હૈ, ઓર ભાગને મેં યે સબસે તેઝ રફ્તાર કા હોતા હૈ, બહુત હી ફાસ્ટ ભાગતા હૈ. दोस्तों ये दामन साहब वैसे तो कभी काटता नहीं है, लेकिन अगर डर जाए तो ये काट लेता है. पर यह नॉन वेनेमस होने से इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसे पकड़ ले, क्योंकि इसके मुंह में बैक्टीरिया हो सकता है, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है. तो बिना प्रशिक्षण बिना ट्रेनिंग कोई भी सांप को कभी हैंडल ना करे, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. और कई लोगों की जान ऐसे सांपों से भी चली जाती है, मगर वो जहर से नहीं जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है या डर के मारे मौत हो जाती है. वैसे तो एकदम शांत होते हैं, लेकिन गुस्सा इसे कब आ जाए, कभी ये काट ले, ये कोई नहीं कह सकता. बेहद प्यारे होते हैं ये सांप. प्लास्टिक में डब्बे को भी डब्ल्यू हो. तो दोस्तों कई बार ये कहते हैं कि ये सांप जब बड़ा हो जाए तो सांप के पैर को बांध के, गाय के पैर को बांध के उसका दूध पी लेता है, लेकिन ये सब ऐसी अफवाह होती है, ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है. कई बार ये कहते हैं कि ये गाय के या किसी भी एनिमल के पैरों के बीच में से निकले तो भी उसे मार देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. तो ऐसी अंधश्रद्धा और गलत फहमी में कभी ना रहे, और सांप के बारे में कोई भी ऐसी फेक न्यूज ना फैलाए. ओके दोस्तों, तो इसका रेस्क्यू भी तलाजाम में से हो चुका है, और ये हमारे गांव का रोड भी आप देख लीजिए. ओके तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों. जय हिंद, जय भारत, बाय.